अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ फिटिंग का डिज़ाइन, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फिटिंग होती है, जो कि यहाँ पे यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट होती है और ये हमारी 13 इंच तक होती है। कुछ लोग लंबा भी रखते हैं 14 इंच तक, लेकिन हम लोग अमूमन 13 इंच तक ही इसकी जो है फिटिंग रखते हैं। तो हमने सबसे पहले इनकी फिटिंग की लाइन लगा लेनी है। आप इंची टेप से 14 इंच या 13 इंच लगा लें, जितना आपका हिसाब है हमने उसी हिसाब से लगाना है। तो बाकी हम ये स्टार्ट करते हैं, हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। ये हमने स्टिकी पेपर ले लिया, ये 5 इंच है हमारा स्टिकी पेपर, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको हमने सिंपल वे में कट करना है। ये देखें, ये हमारा जो है 5 इंच तो है, लेकिन हमारा यहाँ से 2 इंच के ये हमने रखने हैं, 2 इंच के हम रखेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे ताकि हमारी कटिंग जो है वो इक्वल हो जाए। अभी हमारी जो कटिंग है वो इक्वल हो जाए और इसकी जो हमने फ्रंट है वो थोड़ा सा हमने इस तरह से कट कर लेना है ताकि इसके फ्रंट पे नोक सी बन जाए और इसका जो इक्वल हो जाए पार्ट फ्रंट वाला भी। देखिए हमारे फ्रंट ये इस तरह से कट होंगे और ये हमारे बन गए हैं। ये हमारे यहाँ पे इस तरह से रख के हम इनको लगाएंगे। सबसे पहले हम ये सादा सा कपड़ा ले लेंगे, जो कि हमारा इसके साथ का शलवार का कपड़ा है, आपने वो ले लेना है। उसके ऊपर हम इससे रख के इनको आयरन कर लेंगे सबको। अब देखें आपकी अपनी फिटिंग के हिसाब से, अगर यहाँ पे आपके 3 लगते हैं आप 3 लगा लें, 4 लगते हैं 4 लगा लें, मेरे 3 लगेंगे इसलिए मैंने ये 3 ले लिए। इस तरफ भी 3 और ये इस तरफ भी 3। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर रख के आयरन कर लेते हैं। स्टिकी पेपर जो है वो आयरन कर लिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसके नीचे ये जो कपड़ा है इसके साथ ही हमने नीचे रखना है कपड़ा, और इसके साथ साथ हमने इसको सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। ये देखिए हमने इसके साथ साथ इसको कट कर लेना है। ये कट हो गया, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सारे हमने इसी तरह से बनाने हैं, ये हमने सीधे कर लिए हैं। ये सारे हमने इसी तरह से बना लेने हैं, इसी तरह हमने इनको सीधा करके इनको आयरन कर लेना है। हमने मार्जिन लाइन लगा लेनी है, जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर हमने रख के इनको इस तरह से रख के हमने इनको सिलाई लगा देना है। ये हमारे 1-1.5 इंच के फासले पर लगेंगे, इससे ज़्यादा फासला नहीं रखना हमने। ये देखें, इस तरफ भी इसी तरह रखेंगे और उस तरफ भी हमने इसी तरह रख के यहाँ हमने इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है, और फिर हम दूसरे जो साइड है बैक वो इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई जो है वो लग गई हुई है। अब ये देखें फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हम इन्हें सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे दोनों साइडों पे लग गए हैं। आपने अपने हिसाब से फिटिंग करनी है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। ये हमारे पास बटन है ग्रीन कलर के, ये मैं इसके ऊपर रख के लगाने लगी हूँ। ये इसी तरह हमने सारे बटन इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। ये हमारा बटन लग गया। अब ये एक बटन हम इस कोने पे लगाएंगे और एक बटन इस कोने पे। ये हमारे जो तीनों कोनर हैं ये हमारे इस तरह से कवर हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर बटन लगा लिए, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारी फिटिंग का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अमूमन हम फिटिंग के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे डिज़ाइन बना लेंगे तो अच्छे लगते हैं। आप अपनी दुआ में हमें याद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।